तो नेक्स्ट डिस्कस करते हैं हम आज की हमारी इस क्लासेस में. क्या बोलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि हमारे पास एक नंबर्स है, उस नंबर्स को हम, नंबर्स नहीं टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट को हम एक एक लेटर के अंदर में डैश इंक्लूड करना चाहते हैं. तो चलिए इसके लिए हम कोड बनाते हैं. यहाँ लिखेंगे फंक्शन और हमने ई एक्स टी कर दिया फॉर्मूला का नाम, एक्सट्रैक्ट टेक्स्ट एन एज ए स्ट्रिंग हमें पता है, और यहाँ पे सेपरेटर एस एज ए स्ट्रिंग. दो चीज हमने यहाँ पे डाल दिया. अब यहाँ पे लूप लगाते हैं कि फोर आई इक्वल टू चले 1 2 कहां तक, तो लेन लेन के जगह पे हमने कर दिया एन, मतलब कि जितना नंबर है उतना वो चले, क्योंकि हमें हर लेटर को अलग अलग करके उसके बीच में हमें एक डैश का सेपरेटर डालना है इसलिए. और फिर यहां पे हम करते हैं डिम आर एज ए स्ट्रिंग, और यहां करते हैं कि आर इक्वल टू आर के साथ कंबाइन हो डैश के साथ मिड मिड, और मिड में हमने डाला कि एन से नंबर निकालेगा आज पोजीशन से और एक कनेक्टर, जैसा ऊपर हमने बनाया था वैसे ये सेम है, बट इसमें क्या है कि प्लस के जगह पे यहां पे लगा हुआ है एन, मिड लगा है, एन परसेंट लगा हुआ है. और फिर हम यहां पे करते हैं ई एक्स टी, नहीं ई एक्स टी तो हाँ ई एक्स टी एक्स टी, और यहाँ पे देते हैं इक्वल आर. अब मैं इसको यहाँ पे अप्लाई करता हूँ ई एक्स टी, रिजल्ट एरर आया. आर इक्वल टू आर, वो दो इनपुट दिए आपने ऊपर एन एस स्ट्रिंग एंड एस एस स्ट्रिंग. हाँ हाँ, इसमें हमने ये नहीं दिया ना कॉमा, इसलिए ऐसा आया. ठीक है, तो इसमें एक चीज यहाँ करना है, यहाँ पे एस कर देता हूँ मैं, अब इसमें है कि एक स्टार्टिंग में दे दिया और एक एंडिंग भी दे दिया, तो एंडिंग में दिया क्योंकि स्पेस था इसलिए स्पेस में हटा देता हूं, एंडिंग में नहीं देगा बट स्टार्टिंग में ये देगा. तो स्टार्टिंग में ना दे इसके लिए मैं यहाँ पे राइट का फॉर्मा लगाया आर आई जी एस टी राइट, स्टार्टिंग में दे रहा हो कि फर्स्ट टाइम तो ब्लैंक ही है ना सर, इसलिए कॉमा इसकी कंप्लीट लेन माइनस वन. अब जो है हमने लास्ट का एक डिजिट छोड़ के उठा लिया है, अब सही है. अब ये अपर केस में है, मुझे इसको अपर केस में करना है, तो भी आप यहां पे इसी को यू केस आप कर दीजिए यू केस में, तो ये आपका अपर केस हो जाएगा. समझ गया सर आशीष जी? हाँ जी सर. तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं, राइट?